हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्हें कांग्रेस का कैशबैक कहा जाता था एक ज़माने में, है ना। ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि आप ये बताइए, जो बड़े बड़े पहले प्रोटेस्ट हुआ करते थे, आंदोलन होते थे, तो उस समय इतना सारा जो बजट होता था ना, ये पैसा वगैरह डोनेशन वगैरह कौन देता था उस समय। ऐसा मतलब उस दौरान तो हम अंग्रेज़ों के खैर गुलाम ही थे और महात्मा गांधी के बहुत सारे आंदोलन हुए, तो कहाँ से इतना पैसा आता था। तो मैंने कहा कि बताते हैं आपको कहाँ से पैसा आता था। ऐसे एक नहीं, कई थे, कई ऐसे धनी और रईस लोग थे जो इन प्रोटेस्ट के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जिसमें से थे एक ये शख्स जिनका नाम था सेठ ओस्मान, इनको हम हाजी ओस्मान सेठ के नाम से भी जानते थे। आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको कांग्रेस का कैशबैक के नाम से जाना जाने लगा। तो बात कर लेते हैं कुछ इनके पीछे के बारे में। देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन की कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, और यहाँ पे दी रखी है गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब उन्होंने नमक बनाकर अपना ये आंदोलन को सफल किया था। और गांधी जो का नाम है इनका, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि नमक सिर्फ अंग्रेज लोग ही बनाएंगे, और उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। किसने? यहाँ पे गांधी जी की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए इतने सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, इन प्रोटेस्ट के लिए आखिरकार धन किसने दिया, सबसे ज़्यादा धन किसने दिया? तो बताया जाता है कि हाजी उस्मान सेठ ने उस ज़माने में लगभग 7,000 करोड़ रुपए तक का कैश उन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जो मुस्लिम ब्रदर्स थे, उनको दिया था। कहते हैं कि जब वो 1919 में उस्मान सेठ खिलाफत आंदोलन से जुड़े, तो उन्होंने कहा था कि जितना भी पैसा लगेगा वो उसके लिए मैं पैसा दूंगा, और मेरा जो है हमेशा जो तिजोरी है वो इस आंदोलन के लिए खुली रहेगी। और उन्होंने हमेशा क्या किया, जब आपको बता दें यहाँ पे खिलाफत आंदोलन तो ठीक, उसके बाद जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो पैसे की तंगी होने की वजह से उन्होंने उस्मान से कहा कि आप बताइए क्या किया जाए। तो उस्मान ने कहा, इसमें करने वाली बात कौन सी है, आप तो बस इजाज़त करिए कि कितना पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा, जितना आप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ में जब भी जरूरत पड़ी, ब्लैंक चेक, दोस्तों क्या दिया, ब्लैंक चेक दिया। और तो और उस दौरान उन्होंने 10 किलो सोना, कितना, 10 kg, बहुत होता है दोस्तों, 10 किलो सोना उन्होंने गांधी जी के हाथ में दिया और कहा कि अगर ये भी कम पड़े तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है। कहते हैं कि उस्मान सेठ जो थे, वो उनके पिताजी गुजरात के कच्छ में बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी थे, उनकी काफ़ी इंडस्ट्री चला करती थी उस दौरान। उसके बाद जब ये लोग बेंगलुरु आ गए, तो बेंगलुरु में इनके पास में बहुत, यानी कि कह सकते हैं भारत का पहला मॉल, जिसमें ब्रांडेड कपड़े और यूरोप से आयातित जितनी भी वस्तुएँ थीं वो यहाँ मिलती थी। इनका मॉल बहुत बड़ा था, कहते हैं 1 किलोमीटर में तो ये मॉल इनका जो है, दुकानें फैली हुई थी मॉल की, जो वहाँ पे था, कि नाम है आपका बेंगलुरु में, और भारत का पहला मॉल कहा जाता है उसे, ठीक है। उसमें बताया जाता है कि 21 दुकानें, मतलब 21 गेट थे उस मॉल के अंदर एंट्री करने के लिए, प्रमुख 21 गेट थे, और जो जिसके मालिक कौन थे, हाजी उस्मान थे, क्योंकि विरासत में उनको मिला हुआ था। उसके बाद जब उनका नंबर आया, तो उन्होंने काफ़ी इसको आगे बढ़ाया और अंग्रेज़ों के साथ इनका व्यापार बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में कूदने लगे, तो अंग्रेजों ने इनका बहिष्कार कर दिया और इनका जो यूरोप से जो व्यापार होता था वो ठप होता चला गया। लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता के लिए, यानी कि स्वतंत्रता के लिए इनकी जितने भी आंदोलन हुए, उन्होंने उनमें भाग लेना बंद नहीं किया, और ये एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी भरकर जो है बनकर उभरे। इन्होंने बताया जाता है कि जरूरत पड़ने पर इन्होंने अपने 27 बंगले, जो उन्होंने अपने 7 बेटों के लिए बनवाए थे, 27 बंगले बेच दिए, और सारा पैसा स्वतंत्रता सेनानी के लिए गांधी जी को दे दिया, जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर भी पैसे की दिक्कत जो है किल्लतें पड़ी 1930 के अंदर, कब, 1930 जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 1930 में, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने जब उनकी इनसे फंड की बात की, तो इन्होंने अपने बेटे, जो बड़े बेटे थे, उनका नाम था इब्राहिम, उनको ही गिरवी रख दिया कि भाई कैसे पैसा हो, क्योंकि उस दौरान वो अपने बंगले, अपने जो कह सकते हैं जितनी व्यापारिक इंडस्ट्रीज थी, सब बेच चुके थे, पैसा धन दौलत सब कुर्बान कर चुके थे जो है हमारे कह सकते हैं आंदोलन के लिए, कांग्रेस के लिए।
उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि जब भी जरूरत पड़ेगी, अगर मेरी जान की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं कांग्रेस के लिए यानी कि के लिए कुर्बान कर दूंगा। किसने कहा ये? उस्मान ने। ठीक है, बड़े दिलेर आदमी थे। कहते हैं ना कि भाई देश हमारा ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ, किसी ने खून बहाया तो किसी ने धन बहाया, और जिसने धन बहाया वो थे उस्मान सेठ, क्योंकि इनके अलावा इतना धन इतना पैसा किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। एक जमाने में ऐसा भी था कि कोलकाता के अंदर, किसमें कोलकाता जिसको कलकत्ता कहा जाता था उस समय, कोलकाता में जितने भी शिक्षण संस्थान थे, यूनिवर्सिटियाँ विद्यालय जितने थे, वो सब उस्मान के नाम पर थे, यानी कि हाजी उस्मान के नाम से चला करते थे, इतना पैसा था इनके पास में। और भारत में अंग्रेजी स्कूल डालने का भी श्रेय इनके पास जाता है। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी स्कूल और अंग्रेजी यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भी इन्होंने चेष्टा दिखाई। इसने हाजी उस्मान सेठ ने। लेकिन आपको बता दें, बड़ी दिलचस्प बात है कि जब ये मरे, 1932 में इनका इंतकाल हुआ, 1932 में जब ये मरे तो इनके सर पर अपनी खुद की छत नहीं थी, क्योंकि उस समय किराए के मकान में रह रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो देश की आज़ादी के लिए 7,000 करोड़ रुपए दान कर चुके हों और वो मरते समय पे किस पे, कौन सी किराए की छत पर उन्होंने अपना जो है अंतिम समय व्यतीत किया, तो सोच सकते हो कितने सच्चे देशभक्त ना होंगे, है ना। लोग बता देते हैं, कहते भी हैं कि आखिरकार मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए क्या किया, तो आपको बता दें किसी ने खून कुर्बान किया अपना, तो किसी ने अपना धन कुर्बान किया। ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें आज़ादी के बाद, दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज़ादी के बाद 1949 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस्मान के परिवार को 300 एकड़, कितनी 300 एकड़ ज़मीन देने की बात की, तो उनके परिवार ने वो 300 एकड़ ज़मीन जो है ठुकरा दी। और उन्होंने कहा कि जब उनके जो सरताज थे, यानी कि जो उनके पिताजी थे, उनके जो वालिद थे, जब वो ख़त्म हुए, तो उन्होंने कहा था कि बेटों मैं आप लोगों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैंने कमाया था, जो भी मैंने जो कह सकते हैं जो कमाई हुई पूंजी संपत्ति थी, वो सब मैंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे वालिद ने इस प्रकार की बातें की तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, और हमारे वालिद जो कुर्बान कर चुके तो कुर्बान कर चुके। उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन रिटर्न जो है वापस कर दी थी, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इस वजह से उन्हें सार्वजनिक तौर पर पुरस्कृत किया था। ठीक है, किसको? उस्मान के परिवार को। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी उस्मान की, जिनका पूरा नाम था हाजी उस्मान सेठ। ये गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन आकर कहाँ बस गए थे? बेंगलुरु के अंदर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।